के निका दिली हो गई डरली पी ऐसा निकाल सही जीन भी लगनी है पूतड़िया मेरे झूलना अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी फाइजा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू फाइजा डार व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता और ठीक ठाक रखे। वो सामने देख रहे हैं कि इसको क्या हो गया आधी रात को। अच्छा जी, आप लोग भी देख रहे होंगे कि व्लॉग स्टार्ट करते ही इतना सारा नेरा नेरा इसलिए हुआ है क्योंकि रात का टाइम है, ठीक है। और दीदी आई रिहर्सल से और आज मैंने उनको बताया, मुझे आके उन्होंने पूछा कि तुम कोई व्लॉग नहीं बना रही। मैंने कहा नहीं, मैं टायर्ड हूँ। मैं और अयान जिम गए थे और हम जैसे ही जिम से आए हमने डिनर किया, बैठ के फ्रेश हुए। मैंने कहा मैं आज कोई व्लॉग नहीं बना रही और आज ऐसा करेंगे कि आज ना सारे टाइम से सोएंगे, ठीक है, ताकि हमने ना सुबह उठ के, मंडे है तो सुबह एक बिजी डे है तो हमने बड़े काम करने, इसलिए आज रात टाइम से सोएंगे। तो हमने डिनर के बाद ही टाइम से सोने वाला माहौल बना लिया था और मैंने दीदी को ना एक डीप स्लीप भी दे दी थी। मैंने कहा ये डीप स्लीप खाएं, इससे बड़े मज़े की नींद आती है तो काफ़ी आप रिलैक्स फील करेंगी। तो अभी ऊपर वो सोई नहीं है और इन लोगों को मैंने जो है ना नीचे बुला लिया, सही है, इसलिए क्योंकि हम करने जा रहे हैं आज एक हॉरर प्रैंक। प्रैंक मैं आप सबको बताऊंगी नहीं, ठीक है, वो आप सब देखेंगे क्योंकि पहले बता दो तो मज़ा नहीं आता। हम सबको पता है सिवाय दीदी के, ठीक है। तो दीदी के साथ प्रैंक होने जा रहा है। नहीं पता नहीं, उनको भी बताएंगे, वो भी शामिल होंगी। वो शामिल होंगी, खाली दीदी को नहीं पता। और हमें प्रैंक के लिए अगर एक चीज़ चाहिए, अगर वो इस टाइम हमें मिल जाए ना फार्मेसी से, ठीक है, तो बड़ा मज़ा आएगा। तो अभी हाँ तुम लोग ऊपर जाओ, ठीक है, और मेक श्योर करो कि वो सो गई है, ठीक है, सही सोने वाला माहौल, कोई शोर शराबा नहीं जा रहा, कोई शोर शराबा नहीं, बिल्कुल सोने वाला। मैं करने जा रही हूँ हॉरर एक्ट और मुझे पता नहीं है कि मतलब अपनी हंसी कैसे रोकूंगी। वैसे मैं इन लोगों के साथ इतना नेचुरल करती हूँ कि ये लोग डर जाते हैं। गुगू मिमी किंजा, मैंने अम्मी को इतनी दफा डराया है ना, मैंने तुम लोग मम्मी को याद करो जैसे आने का सो जाओ वैसे ही डर के रोने लग गया, मम्मा मिलने मिलने, वो बहुत डर गए थे। और ये सब डर जाते हैं मैं जब एक्टिंग करती हूँ, पता नहीं आज व्लॉग में मैं क्या रंग लगाऊंगी। पहले तो जाते हैं, हमें चाहिए एक कॉन्टेक्ट लेंस। आपने ना एक डायलॉग कहना है आमी जे तुमा, वो तो तुम देखो जरा आमी जे तुमा। ऊपर से गाने का मौका भी मिल रहा है तो गाएंगे, बड़े मजे से गाएंगे, ठीक है। तब तक दीदी की एक अच्छी गहरी नींद हो जाएगी। पहले आप अपनी आवाज की रिहर्सल कर लो। रिहर्सल रिहर्सल है भाई, हमारे वोकल आवाज निकाल के देखो भूतिया वाली। नहीं 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 नहीं, गाना तो सुरीला गाना है। भूत की आवाज निकालो ना, भूत की, भूत की, भूत के ऊपर निकालूंगी ना, मुझे साइनस अगर गला चिर जाएगा अभी से ही चीखूंगी तो एक ही दफा, वो मैं चीखूंगी वो एक ही दफा, ठीक है। तो चैलेंज चलते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए और दुआ करें कि बस हमें जो चाहिए वो मिल जाए। तेरा हाथ किधर है? चलो ये ऑप्टिक्स बंद है, लेंस कहाँ से मिलेंगे मुझे क्या पता होगा। ये देखें हमारे काम लेने, हमें लेंस थे और हम लोग आते ही देख क्या रहे हैं। यार ये देखें कितने क्यूट हैं। सबसे क्यूट पता है क्या है? ये जेरी वाला है जिन्होंने ये कार्टून देखा ना पावर पॉप, समझ सकते हैं इससे अहमियत के। मुझे ये हाँ ये अच्छा। यार अब क्या करें यार, लेंस तो नहीं मिल सकते इस टाइम हमें। एक तो सडन हमारा ये प्लान बना है अचानक से, मतलब क्योंकि दीदी रात को, दीदी क्या हम सब रात को नहीं सोते हैं, सारी रात जागते हैं। तो जैसे ही हमने देखा ना कि आज सोने का माहौल बना हुआ है तो अयान ने मुझे याद करवाया। अयान ने कहा आप ही अगर आज सोने वाला माहौल बना है तो आज हॉरर प्रैंक हो सकता है। और किस्मत देखो यार, लेंस अगर मिल जाते ना, कल रात को मैं सबको डराया हुआ था, मुझे कुछ दिख रहा है और सच्ची में दिखा भी था मुझे। हाँ कल रात को अयान ने हमें डराया था, सच में नजर आया था, अच्छा। हमारे घर में अक्सर किसी को कुछ ना कुछ नजर जरूर आता है, मुझे भी आया था टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं स्टोरी कि मुझे क्या नजर आया था तो आप सब कमेंट्स में बताएं, ठीक है। अभी हम देखते हैं, इनसे लास्ट टाइम पूछते हैं अगर इन लोगों के पास लेंस पड़े हैं तो, ठीक नहीं तो घर जाके कोई जुगाड़ निकालना पड़ेगा। कोई ज़रा लेंस नहीं मिले तो हम लोगों ने एक और आइडिया सोचा है कि हम चारकोल, हाँ
इससे कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। बीच बीच में पेल करके ना उसके ऊपर टेंट से ना कुछ ऐसे हाँ अच्छा हमको सिखा रही है। तो हम लोग जो है अब जा रहे हैं घर और मोई मोई हो गया, ठीक है प्रोग्राम बढ़ गया। हम लोगों ने सोचा था लेंस, अगर हमें पहले से पता होता ना, अब यहाँ से आप लोग अंदाजा लगाएं, ये सडन प्लान है सारा। अगर हम लोगों को पहले से पता होता तो हम अपनी थोड़ी सी तैयारी करके रखते हैं, हम थोड़े से लेंस और सारे इस तरह के कोई वो क्या कहते हैं उनको कोई प्रॉप्स वगैरह जो है ना वो हम लेकर रखते हैं। ये मेरे घर के आगे मेरी जगह पे किसने गाड़ी खड़ी की है, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। खुद आराम से चलना, मैं तो आराम से चल रही हूँ। आपको नहीं पता कि हम हॉरर प्लान करने लगे हैं दीदी के साथ। अलग किड़ा रन ने प्लान उन्हें डराने लगे हैं। करे उस आगे निका दिली हो गई डरली पी ऐसा निकाल कुछ नहीं होता। कुछ चीज है जरा मैं कुछ नहीं होता। आप सबको पता है मैंने दीदी को ऑलरेडी इतनी स्टोरी सुनाई है घर की, हमारे घर में ये हुआ था, हमारे घर में ये हुआ था। कल ना जो मैंने स्टोरी सुनाई है उनके बाद दीदी से डरी हुई है। ड्रामे ला डर चुप करो करेंगे। गाल सुने की तू मुंह काला था नीला भी करना इस्ता। सही जिन भी लगनी है बूती तेरी इंज आहिस्ता बोल रहा है चुप है नहीं ना बोला काली बूती पे आहिस्ता आहिस्ता कैमरा मैं दूंगी अयान को, अयान आहिस्ता से जाएगा और कॉर्नर पे बैठ जाएगा जहाँ पे पिलोस वाली साइड है। डीप स्लीप उनको दी हुई है, वो मेरे गाने से ही उठेगी बेटा, ऐसे नहीं उठेगी। बड़ा हरामी हो बेटा। डीप स्लीप में बहुत डीप नींद आती है। अच्छा और जो दूसरा किधर चलो मैं डीप पांच और मेकअप का तो अब ये है। और दूसरा मोबाइल जो है हमने सोने से पहले ही ना ड्रेसिंग टेबल के पास ट्राईपॉड रखा हुआ है, ट्राईपॉड पे एक मोबाइल लग जाएगा। हमने सिर्फ वो शॉर्ट क्लिप हमने कैप्चर करना है जिसमें दीदी डरेगी, जिनका उनका ओरिजिनल रिएक्शन दिखेगा मुंह के सामने सुन के। हाँ ये अब हम रेड लिपस्टिक लगाते हैं। ये तो तू कहनी मम्मी ब्रांडेड है, तू मम्मी इस्तेमाल करी थी, तू पहले अपनी बूटी तो लाड़ लग पी है। अभी थोड़ी सी लगेगी गाइस ये चेक करें। YSL की लिपस्टिक है वो कहती ब्लैक हो जाएगी। मरने वाली होगी इसका कंसीलर लगा रही हूँ, मरने वाली हालत होगी। बुरका भेजे मेरी लड़की आंख में डालेगी अम्मी देखो ना क्या है फाइनल लुक। अभी मैं आपको दिखाती हूँ और...
कैसे ड्रोनी है। हमें ना कुछ नेचुरल नहीं लग रहा था, ये ना यहाँ से पिंक पिंक नजर आ रहा था, तो हमने ये सोचा है कि हम इसको उल्टा पहन लें, ये इसको बंद कर दो पीछे से। अपने घर जाते बड़ा मजा आने वाला गाइस, आई एम सो एक्साइटेड। नहीं नहीं से क्यों मारन लगी हो किसी सोए हुए बंदे के साथ ऐसे हार्ट अटैक आ जाए कुछ दे। अच्छा जो तुम लोग कल मुझे बातें सुना रहे थे किसी चीज कुछ ये ओ, ये करना चाहिए था यार।
एक मिनट ऐसे जी गाइस, तो आप सबने जरूर बताना है कमेंट्स में कि आप लोगों को हमारा प्रैंक कैसा लगा। बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत डर लगा, सच में बहुत डर लगा। बस कर दो, इसको डर लगा, बुरी लग रही है। जिंदड़ी है जेके, जिंदड़ी है आपने दीदी के आगे मुंह धो के चली जाओ, डर जाएंगे। मास्क हम लेकर आए, हम दरअसल लेंस लेने के लिए गए थे, हमें लेंस नहीं मिले। इतनी मेहनत की है इसने, बहुत मेहनत की है। ये देखें, बड़ा हमने आर्ट दिखाया अपना। मेहनत अगर सोने में कर लेती आके तो सोने में तो हम नहीं कर सकते। उफ, अब इसको कितना उतारना पड़ेगा यार। ये देखो, पकड़ाओ मोबाइल दीदी। अभी आप आज रात दीदी को नहीं जाने वाले। चले, अब आपको हम इसी उसमें देंगे। बस कर देना, तेरी होगी ना मजाक। चंडा खानी है ना मेरे को, दस जाना। चले जी, अब चाट और गोलगप्पे नहीं खाए थे, इसलिए आपको उठाया है कि उठो गोलगप्पे। गोलगप्पे खिलाने का तरीका वैसे। गाइस, अब हम इसको उतारते हैं, और अब सबसे मुश्किल काम है इसको उतारना। बात सुनो जरा, ये उतरेगा तो सही है। ये टिन तो उतर जाएगा मेकअप रिमूवर से शायद। मुझे क्या इसको उतारते हुए वक्त लगेगा। सोच लो कौन से डॉक्टर से बाद में मरहम पट्टी कराओगे। कोई फेवरेट डॉक्टर है आपका? तबाही है ये प्रैंक। गाइस, आप सबने कमेंट्स में बताना है, ठीक है, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। इस व्लॉग में हमारी बहुत मेहनत और बहुत ही पैसा बर्बाद हुआ है, बर्बाद ही हुआ है ना। ये देखें, ज़ारा का टेंट, ज़ारा का कंसीलर, सबसे ज्यादा कंसीलर और लिपस्टिक, दोनों चीजें महंगी। सबसे ज्यादा जो दुख है, हार्ट अटैक आ जाता अगर तो वो कितना नुकसान था, मेरी जान का नुकसान था। दीदी, अब आपने मेरे साथ मिलके नेक्स्ट टाइम इनके साथ करना है प्रैंक। यार ये तो टेंट नहीं उतरा। अच्छी बात है, बदला। अब मुझे नींद नहीं आएगी सुबह तक, मैंने कल रिहर्सल पे जाना है, क्या करूँ मैं? इनको लेके बैठी रहो। किनको लेकर? आप दोनों ना, आप दोनों बैठ के भूल भुलैया 3 देख लो, मजा आएगा। साथ नहीं सोना, ये कुछ भी कर सकती है। मैंने नहीं सोना ये। अच्छा, कल मुझे तभी कह रही थी कि मेरे पास सोना आप है। ये प्लान था हमारा, शैतानी दिमाग। मैंने कहा दीदी आप मेरे साथ सोना। पहले तो मैंने दीदी को हॉरर स्टोरी सुनाई हमारी, कितना कुछ हमारे घर में ये है वो है, देखा उसने देखा है, मेरा ज़ेन बना दिया इसने कम पूरे के पूरा, और आज ये हरकत कर दिया। जरा ये तेरा टेंट नहीं उतारा, ये क्या बेहुदा पन है? देखें जी, ये देखिए, सिर्फ मेरे का हाथ दिखा। तो गाइज, आपने सपोर्ट करना है। ये देखिए, बहुत मेहनत, बहुत ही मेहनत, बहुत बेइज्जती इस व्लॉग में लगी है, तब जाके ये व्लॉग। सफाई का नुकसान, मेकअप का नुकसान, स्किन का नुकसान, हमें सपोर्ट करें, हम भी हैं इसमें। और जो गाइस हमें मार पड़ी, हमारी बेइज्जती हुई, इसलिए बेइज्जती हुई। ये देखें, महंगी पड़ गया प्रैंक। सीन है यार। Many unbearable hours later. घर पे ये ट्राई मत करना इस तरह का मेकअप, ठीक है, वरना बुरा हाल हो जाएगा। मेरी स्किन अभी जल रही है और रेड भी हो गई है, ठीक है, लेकिन चलें, मजा आया। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट्स में कैसा लगा, और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज। छूट किया।